तो हेलो जी, कैसे हैं सब? तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है कि आर्मेनिया के वीज़ा के बारे में। तो ऐसे है कि बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं इंडिया से कि सर हमारा एजेंट जो है 2.5 लाख मांग रहा है हमसे, कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 3.8 मांग रहा है, तो आप क्यों हमारा काम नहीं कर देते, आप हमको वीज़ा अप्लाई करके दे दीजिए, हम खुद ही आ जाएंगे। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी, ये जो आप वीज़ाज देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये आर्मेनिया के ही वीज़ा हैं जो मैंने जो है वो आज ही रिसीव किए हैं। तो जी, इसमें से दो जो हैं वो हैदराबाद के बंदे हैं, एक जो है वो पंजाब का बंदा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो इनमें से जो हैदराबाद के बंदे हैं ना जी दो, उनका मुझे फ़ोन आया था आज से कोई 15 दिन पहले। तो उन्होंने मुझसे बात की थी सर कि हम आर्मेनिया आने वाले हैं, आना चाहते हैं। तो ऐसा है कि हमारा जो एजेंट है वो हमसे 2.5 लाख रुपए मांग रहा है, और जो एक पंजाब का बंदा है उसने मेरे को फ़ोन किया था और उसने मुझे बोला कि वो जो एजेंट है मेरा वो मुझसे 3,80,000 रुपये मांग रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला हमने आपकी वीडियो देखी है, तो आप कुछ ऐसा प्रोसेस बताएं जिससे कि हम मतलब बिना इस चक्कर में पड़े हुए आसानी से यहाँ पर आ सकें कम पैसे में। तो मैंने उन्हें प्रोसेस बताया कि भाई ऐसा प्रोसेस है, मैं आपका वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। तो जो एजेंट आपसे 2.5 लाख रुपए मांग रहा है या 3.5 या 3 लाख रुपए मांग रहा है, यही काम मैं आपका कुछ 1,000 रुपए में कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। तो मैंने उन्हें सारा प्रोसेस बताया और डॉक्यूमेंट बताए कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे, ठीक है, और मेरे को फ़ीस भेजी, हाफ पेमेंट भेजी। पहले मैंने उनसे बोला मेरे को हाफ पेमेंट भेजिए, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो मैं आपको सेंड करूंगा और हाफ पेमेंट आप मेरे को बाद में दे देना। तो इसके बाद उन्होंने मुझे PDF भेजा और पेमेंट भेजी, मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया और 7 दिन के बाद आज 1 हफ्ते के बाद उनके वीज़े मिल गए हैं। तो मैंने उनको ये उनका वीज़ा सेंड भी कर दिया। मुझे ऐसे ना बहुत सारे फ़ोन आते हैं इंडिया से ऐसे ही वीज़ा के बारे में, इंक्वायरी के बारे में, जहाँ पूछते हैं लोग कि कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों से बात होती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो आपको थोड़ा सा समझा सकूँ इसके बारे में। क्योंकि लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं ना वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, कुछ उसमें से जेन्युइन भी होते हैं, कुछ ओवर स्मार्ट भी होते हैं, वो भी आपसे बात करूँगा मैं आगे करके। तो पहले जो बात करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव लोगों के बारे में। ये जो हैदराबाद के बंदों के आपको मैंने वीज़े दिखाए, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ, ना कभी पहले बात हुई है। इन्होंने सिर्फ मेरे YouTube से नंबर लिया, मुझे फ़ोन किया सर कि ऐसे ऐसे है कि हमारा एजेंट इतने पैसे मांग रहा है कि इसका कोई और अल्टरनेट है। तो मैंने इनको बताया हाँ भाई, मैं यहाँ से आपका वीज़ा अप्लाई कर दूंगा, आपका कोई इतना खर्चा नहीं आने वाला, इतना कुछ हज़ार, इतने हज़ार मैंने उनको जो भी अमाउंट बताई, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, डन है, आप कर दीजिए। तो मैंने उनको बताया कि आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट मेरे को सेंड कर दीजिए और उन्होंने सेंड कर दिए, और साथ में मेरे को जो मैंने उन्हें पेमेंट बताई थी वो पेमेंट उन्होंने मेरे को सेंड कर दी मोबाइल पे, जो आजकल बारकोड से होती है वो कर दी। तो मैंने उनका वीज़ा जो है वो अप्लाई यहाँ से कर दिया, वीज़े अप्लाई किए, 7 दिन के बाद वीज़े मिले। मैंने उनको बताया आपका वीज़ा आ गया, उनको फ़ोटो भेजी, उन्होंने मेरे को पेमेंट भेजी, मैंने उनको वीज़े भेज दिए। सिंपल सा प्रोसेस है जो उन्हें मैंने करके दे दिया। वो बंदे मुझे कभी नहीं मिले, मैं उन्हें कभी नहीं मिला, ये सिर्फ एक ट्रस्ट की बात थी जो उन्होंने मुझ पर किया और मैंने उनको जो है उनका काम पूरा करके दिया है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों के काम किए हैं, लेकिन मैं कभी इसी की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मुझे मजबूरी में बनानी पड़ रही है क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, फ़ोन करते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज में। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि मैं लोगों को एक बार से बात क्लियर कर दूँ, ताकि जो बार बार फ़ोन करके या मैसेज करके एक ही बात को बार बार ना पूछा जाए। सिंपल सा ही तरीका है सर जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, कि अगर आप विदाउट एजेंट आना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का काम किया, मेरे को मैसेज करें, फ़ोन करें, मैं आपको वीज़ा प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी इसका अमाउंट है वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ हज़ारों में इसका अमाउंट है, जो है सो है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे आप मैं आपका वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। तो आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं मुझे, वो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा, बाकी डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे वो मैं खुद लगाऊँगा, यहाँ से अप्लाई करूँगा, आपका वीज़ा 1 हफ्ते में आपको मिलेगा, ठीक है। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो हाफ पेमेंट आपको तब करनी है मुझे, तो आपका वीज़ा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद। तो ये है इस प्रोसेस की बात और ये है काम करने का तरीका, और ऐसे ही सबका काम होता है। और अगर आप मेरे को फ़ोन करेंगे तो आपका काम भी जो है वो ऐसे ही होगा। तो कुछ लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, प्रोसेस पूछते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, वो मेरे को पेमेंट देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, उनका काम हो जाता है, मैं उनको वीज़ा दे देता हूँ।
तो ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं नेगेटिव, जो नेगेटिव लोग सोचते हैं, जहाँ सोचते नेगेटिव भी क्या है, जो ठीक है अगर कोई किसी को पैसे दे रहा है या ऑनलाइन कर रहा है तो वो सोचेगा ही 100 बार सोचेगा पैसे देने से पहले कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए या हमारे पैसे जो है वो चले ना जाए। यहाँ सोचते हैं अगर हम भी किसी को पैसे देंगे हम भी सोचेंगे, तो अब उनके बारे में भी आपसे बात करने वाला हूँ कि वो क्या कहते हैं मेरे को। अब बात करेंगे दूसरे लोगों के बारे में। कुछ लोग जो हैं वो मेरे को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें ना वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्या करें, हमें एजेंट से बात की है वो 2.5 लाख मांग रहा है या 3 लाख मांग रहा है, तो अब क्या करें। तो मैं उन्हें प्रोसेस बताता हूँ। तो वो क्या है कि वो थोड़ा ज़्यादा ना ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट या ज़्यादा चालाक बनते हैं या कुछ भी कह लीजिए, कि वो मेरे को बोलेंगे कि भैया आप ऐसे कीजिए कि आप ना हमारा वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर दें, तो आप ऐसे कीजिए कि जब हम वहाँ पे आ जाएंगे ना, वहाँ आके आपको ना पेमेंट कर देंगे, वहाँ आके पैसे दे देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। सर देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि आप एजेंट को 2.5 लाख 3 लाख देने को तैयार हैं, वो आपसे 2.5-3 लाख मांग रहे हैं, वही काम मैं आपका कुछ हज़ारों में करके दे रहा हूँ, ठीक है जी, फिर भी आप मुझे ये बोल रहे हैं कि हम वहाँ आके पैसे दे देंगे, आप ऐसे, ये बात अपने एजेंट से कीजिए, ठीक है ना, जो आपसे 2.5-3 लाख मांग रहा है कि मैं हम आप वहाँ जाएंगे वहाँ जाके पैसे दे देंगे, कि क्या आपसे वो एग्री करेगा। जो काम वो 2.5-3 लाख में करके दे रहा है वो हमको कुछ हज़ारों में करके दे रहा हूँ, तो आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेरे को पैसे देंगे, आपको बात समझनी होगी, तो जो भी आप मेरे को पैसे देंगे वो मैं आप ही के ऊपर लगेंगे, आप ही का काम होगा, जो भी आप मेरे को पेमेंट दे रहे हैं वो आप ही के काम पे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट मैं लेके रख लूँगा या ऐसा है, तो मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, मैंने सभी लोगों के काम किए हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी एक भी बंदा नहीं है जिसका, जिससे मैंने 1 भी रुपया लिया हो और जिसका काम ना हुआ हो। कोई भी बंदा ये बात उठ के नहीं बोल सकता कि इन्होंने मुझसे 1 रुपया लिया है इस काम का और मेरा काम नहीं हुआ। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, ठीक है सर। जिनसे भी 1 भी रुपया लिया गया है किसी भी काम का, वो काम हुआ है, डन 100% हुआ है। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं या मुझसे काम कराना चाहते हैं, तो मेरा सर यही तरीका है, आप मेरे को अपने पेपर भेजें, मैं आपको अमाउंट बताऊंगा कितने पैसे लगेंगे, हाफ पेमेंट पहले, हाफ पेमेंट आपका वीज़ा आने के बाद जो है वो आप मुझे भेजिएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा प्रोसेस नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि वहाँ आके दे देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है सर, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने काम कराना है तो आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि जो आप मुझे को पेमेंट देंगे वो मैं ऑफिस में करता हूँ, ऑफिस, जब आप मेरे को दोबारा पेमेंट देंगे मैं उसको ऑफिस में करूँगा, जब तक मैं वो पेमेंट नहीं दूंगा तब तक वो मुझे वीज़ा नहीं देगी। तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही का सर फ़ायदा है, 2.5-3 लाख आपका बच रहा है, ठीक है ना। आपको ये बात समझनी होगी कि आपके पैसों से ही आपका काम होगा, जो आप मेरे को पैसे देंगे वो आप पे ही लगेंगे, आप ही का काम होगा, आप ही के पैसे बचेंगे, मैं आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहाँ से टिकट लेनी है, ठीक है, टिकट आपकी है, टिकट लीजिए और फ्लाई कीजिए और आ जाइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद उसके अलावा जो भी हेल्प होगी वो मैं करके दूंगा। अगर आपको जॉब के लिए हेल्प चाहिए वो मैं करूँगा, अपने पेपर अप्लाई करने हैं उसके लिए हेल्प चाहिए वो मैं करूँगा, हॉस्टल चाहिए आपको, हॉस्टल रहने के लिए चाहिए वो मैं करूँगा, एयरपोर्ट से पिकअप चाहिए आपके पास जहाँ कुछ कोई नहीं आपको रिसीव करने के लिए, तो वो भी मैं करके दूंगा। तो आपको ये सारी बातें समझनी होगी, जितना हेल्प हो सकेगा मैं करूँगा, ठीक है सर। तो आपको जो मैंने प्रोसेस बताया इसी तरह का प्रोसेस है, आपको यकीन करना होगा। अगर तो आप करते हैं विश्वास, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपका काम करके दूंगा। अगर ट्रस्ट है तो फ़ोन कीजिए, मैं आपका काम करके दूंगा। और अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको, आप मुझे अलग अलग से ऑफ़र देने वाले हैं या अलग से है ना, तो मैंने वो उस ऐसे बंदे मेरे को कॉल ना करें, तो मैं कोई आंसर करने नहीं वाला, ना किसी का काम ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है ना। ओवर स्मार्ट बंदों को मैं वैसे भी पसंद नहीं करता हूँ, तो ऐसी आप बातें ना करें। बाकी आपका काम जो है वो, अगर तो आप जेन्युइन है, ठीक है, तो मैं आपका काम 100% करके दूंगा। यही 2-4 बातें थी जो आपसे करने वाली थी। तो अब अगर कोई बंदा है जो, जिसको काम चाहिए या कोई काम मुझसे कराना चाहता है, तो वो मुझे फ़ोन या मैसेज कर सकता है, जो जेन्युइन है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है जी, और कितने टाइम में आपका काम हो जाएगा। तो अगर कोई जेन्युइन है तो वही मेरे को मैसेज या फिर मेरे को फ़ोन करें, मैं उसकी पूरी हेल्प की जाएगी, उसकी फुल हेल्प की जाएगी, जहाँ पर आने के बाद भी की जाएगी, ठीक है जी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।